हेलो एवरीवन, आज मैं आपको शर्ट लेडी शर्ट की कटिंग करने बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लेंगे शर्ट की लेंथ। जो शर्ट की लेंथ है 47 इंचेस, और उसमें हम 3 इंच की लूजिंग डालेंगे जो हमने फोल्ड करके तरपाई करनी है। और ये दोनों मार्किंग कर लेनी है हमने। मार्किंग करने के बाद हम ऊपर अब अपर पार्ट की कटिंग के मार्किंग करेंगे। अपर पार्ट में हमने स्टार्टिंग करनी है 7.5 इंच मैंने लिया है आर्म होल। उसके बाद मैंने एक मार्किंग लगानी है, कमर का निशान है जो 14.5 इंच, और उसके बाद 21.5 इंच पे जो हिप्स की मार्किंग है। ये निशान लगाने के बाद हम इसे सीधी मार्किंग कर देंगे। ये 3 पार्ट में निशान लग गए हैं हमारे। अब हम स्टार्ट करेंगे तीरे से। जो तीरा है मैंने ज़्यादा डीप नेक नहीं बनाना। पीछे का नेक हमारा 5 इंच है और फ्रंट का नेक 7 इंचेस है, तो हम इसे 7 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी तीरे की। और जहाँ पे तीरा ख़त्म होता है वहीं पे हम स्टार्ट करेंगे मार्किंग आर्म होल की। ये 7.5 इंच, और अब बस्ट का नाप है 9.5 इंच। मैंने पूरी मार्किंग की वीडियो आपको बताई थी। जो हमने साइज लेना है, बस्ट साइज है जो हमारा राउंड चेस्ट है 38 इंचेस, और उसमें हमने 1/4 पार्ट लेना है राउंड चेस्ट का, 1/4 ऑफ राउंड चेस्ट 9.5 इंच, और 1.5 इंच की हमने लूजिंग डाल देनी है। उसके बाद कमर है, कमर का भी 1/4 हिस्सा ही लेना है। जितना भी आपका नाप होगा उसका आपने 1/4 हिस्सा लेना है, और 1.5 इंच लूजिंग डालनी है। हिप्स है 40, हिप्स का मार्किंग भी लगाने के बाद यहाँ पे हमने 1.5 इंच की लूजिंग डालनी है। हिप्स में भी 1/4 लेना है, जैसे 10 10, और 1.5 इंच हम सीम अलाउंसेस लेंगे। उसके बाद हमने जो मार्किंग करनी है, ये हमारा राउंड स्केल आता है, हमने ब्रेस्ट साइज से लेके चेस्ट से लेके वेस्ट लाइन तक ऐसे मार्किंग करनी है, और उसके बाद हिप्स की इन दोनों को ऐसे मिला देना। अगर आपके पास स्केल नहीं भी है तो आप नॉर्मली भी ऐसे आप मार्किंग कर सकते हो। ये हमारा अपर पार्ट रेडी हो गया। अब मैं आपको जो नीचे हमने घेरे की मार्किंग की थी, हमारा घेरे का साइज था 10 11 इंचेस, यानी कि 22 इंचेस 11, और यहाँ पे भी हमने 1.5 की मार्किंग करनी है। अब इसको हम सीधे स्केल से मिला देंगे। ये हमारी पूरी रेडी है। अब तो हम आर्म होल की शेप देंगे। जो आर्म होल की शेप है वो स्टार्ट यहाँ से हमने नेक लाइन से देनी है। पहले हम तीरे की जो शेप है उसे 1/2 इंच डाउन करेंगे। यहाँ से हमने कम से कम जो नेक का एरिया है वो 2.5 इंच या 2.75 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा तिरछा मिला देंगे। जो डाउन शोल्डर होता है, डाउन शोल्डर देने के बाद आप हम जो आर्म होल की मैंने शेप देनी है वो 1.5 इंच पे दे रही हूँ। इसकी आपने सिर्फ हल्के हाथों से ऐसे टर्न देनी है। ये आर्म होल की शेप हो गई, और जहाँ पे आपने साइज लिया है, जैसे आपने साइज लिया था 9.5 इंचेस, वहीं से आपने मार्किंग करनी है। जो एक्स्ट्रा है उसको नहीं आपने छेड़ना, बस इसको यहीं से मार्किंग करनी है। और जो अंदर वाली शेप है इसका हाफ लेके, आर्म होल लेंथ का हाफ लेके
हाफ एन इंच पे शेप देनी है अंदर की तरफ, और यहाँ से हाफ एन इंच की शेप दे देनी है और डीप, ये फ्रंट की कटिंग हो जाएगी। अगर आपको लगे कि नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं वीडियो। सिंपल कटिंग है इसकी, मैं आर्म होल की दोबारा बता देती हूँ। जो हमने लेंथ में ये बॉक्स बनाया था उसमें हमने सिर्फ 1.5 इंच की यहाँ से शेप देनी है, ये हो जाएगी बैक की कटिंग। और फ्रंट की कटिंग हमने हाफ एन इंच नीचे से हाफ एन इंच छोड़ना है और फिर ये फ्रंट की कटिंग देनी है। अब ये सारी मार्किंग करने के बाद हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले कटिंग हमने करनी है तीरे की, ये जो डाउन जहाँ जहाँ पे आपने मार्किंग की है वहीं पे आपने कटिंग करनी है। ये है आर्म होल की कटिंग। बिल्कुल साथ साथ ही आपने कटिंग करते जाना है। एंड तक आपने कटिंग करनी है। उसके बाद ये हमारी कटिंग रेडी है। अब हम मैं अब आपको बैक और फ्रंट की कटिंग करके दिखाऊंगी। अब जो कटिंग की है अब हम इसके बीच में से बैक का पीस निकाल देंगे। बैक का पीस निकालने के बाद ये जो फ्रंट की मार्किंग है इस पे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम ये कॉर्नर साइड पे हम एक कटिंग का निशान लगाएंगे और जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पे कट का निशान लगा देंगे, ताकि अगर मार्किंग मिट भी जाती है तो आपको याद रहे कि ये हमारी फिटिंग की मार्किंग है। ये हिप्स की मार्किंग हो गई। अब ये कटिंग रेडी है। अब इसके बाद हमने स्टिचिंग करनी है और मैं अब स्लीव्स की कटिंग आपको करके दिखाऊंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे स्लीव्स की कटिंग की। जो मेरे पास ये वाला साइड कटिंग बची है हम उसमें स्लीव्स की लेंथ बना सकते हैं। जैसे मैंने 20, अगर आपको फुल लेंथ बनानी है तो 20 इंचेस पे मार्क करके इसे फोल्ड करना है। और मुझे अभी हाफ स्लीव ही बनानी है तो इसका मेथड भी सेम ही है। अगर आप ऐसे बनाओगे तो ऐसे में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ऐसे में हमारी जो स्ट्राइप्स नज़र आ रही हैं वो आडी हो जाती हैं, मतलब दूसरी साइड की तरफ चली जाएंगी। अभी हम लेंथ वाइज ही सूट बना रहे हैं तो हमें ये फ्लावर्स का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा और स्ट्राइप्स का भी, तो इसीलिए मैं सिंपल फोल्ड कर रही हूँ। सिंपल फोल्ड करनी है जितनी आपको मार्किंग चाहिए। जैसे आपने स्लीव लेंथ 5 इंचेस बनानी है तो मैंने 5.5 पे मार्किंग की है सीम अलाउंसेस के लिए, और यहाँ पे 2 इंच की और हम एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे फोल्डिंग के लिए। तो मैं टोटल 7.5 इंचेस की लेंथ ले लूँगी। और लेंथ लेने के बाद हमने ऊपर से कम 3.25 इंच का मार्किंग करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ 3.25 इंच की मार्किंग। और जितना आर्म होल रखा था उतनी ही आर्म होल 7.5 इंचेस पे मार्किंग कर देनी है। याद रखना सिंपल फोल्ड करने के बाद हमने ऊपर से नीचे 3.25 की मार्किंग करनी है। 3.25 की मार्किंग करने के बाद 7.5 इंचेस हमने आर्म होल लिया था उसे लेना है। और नीचे जो बॉटम है, बॉटम हरी विथ हरी है 7 इंचेस।
अब मेरे पास यहाँ पे कटिंग के लिए स्टफ़ नहीं बच रहा है, तो मैं इसे और लूजिंग कर लूँगी, इसे यहाँ से फोल्डिंग कम कर दूँगी। कम करने के बाद ये बैक पे जोड़ आएगा, जैसे ये फ्रंट का पीस पूरा मेरे पास है तो ये बैक पे पूरा जोड़ आएगा। तो इसे हम एक साइड पे जोड़ देने के लिए मैंने यहाँ पे पूरा कवर किया है। 7 इंचेस मुझे बॉटम चाहिए, 7 के बाद हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और फिर से वही मार्किंग करेंगे 2.5 इंच की और यहाँ से 7.5 की। अब ये मार्किंग मेरी पीछे आ गई ना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कपड़ा पीछे कर दिया है। अब यहाँ पे मार्किंग लेंगे, इस मार्किंग को हटा देंगे। अब स्टार्टिंग ये कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक हम मिलाना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ऐसे ये शेप आनी चाहिए। अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हो तो आप एक रफ क्लोथ पे भी कटिंग कर सकते हो, ताकि आपकी जो मेन स्लीव्स हैं सूट की वो ख़राब ना हो। अब इसके बाद मैं ये लेंथ वाइज कटिंग कर दूंगी और यहाँ से भी मैंने कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद ये शेप आ रही है। अब जो मेरे पास नीचे का ये स्टफ बचा है, अब मैं इसे नीचे रख दूंगी इस पे, और ये जो स्टफ़ है मेरे पास, मैंने फैब्रिक की कटिंग की है तो इसे 1/2 इंच ऊपर की तरफ, देखो नीचे 1/2 इंच ऊपर की तरफ, ताकि हमने जोड़ लगाना है तो सेम कटिंग कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको लगेगा कि नहीं आपको समझ आ रही है तो आप प्लीज़ दोबारा वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, ताकि फर्स्ट टाइम में ये कटिंग आपको नहीं आएगी, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आ जाएगी। अब देखो ये जो मैंने कटिंग की थी, ये प्रॉपर वे से इसके ऊपर रख के मेरा पूरी प्रॉपर कटिंग आ गई। और ये है, अब यहाँ पे मैं क्रॉस का मार्किंग कर दूँगी, ये बैक हो जाएगी और ये फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड पे अब हम मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे फिर कट का मार्किंग करनी है, और जहाँ पे मैंने ये मार्किंग की थी वहाँ पे भी हम कट की मार्किंग करेंगे, ताकि ये हमारा प्रॉपर नाप रहेगा। अब मैं फ्रंट की कटिंग करना बताऊंगी आपको। जो फ्रंट की कटिंग है उसको आपने 1/2 इंच सेंटर से 1/2 इंच नीचे की तरफ जाते हुए इसको ऐसे मिला देना है, तो ये वाली शेप आ जाएगी। ये फ्रंट की कटिंग हो गई और ये बैक की कटिंग। अब मेरी सूट की कटिंग कंप्लीट है। अब मैं आपको स्टिचिंग में नेक लाइन बताऊंगी कि हमने स्टिचिंग में नेक लाइन बुकरम के साथ नेक कैसे बनाना है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।